नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मधुबनी के खटौना थाने की रहने वाली निभा ने हिम्मत दिखाई और अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। निशा ने शादी के मंडप पर ही शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी चर्चा पूरे इलाके में है। सालों से चली आ रही परंपरा और बनी बनाई रीत को चुनौती देना आसान नहीं है। न जाने कितनी बेटियां परंपरा की आड़ में पिसने को मजबूर हो जाती हैं, लेकिन मधुबनी के नव टोली की निभा ने जो कर दिखाया वो बेमिसाल है। निभा ने शराबी दुल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया और उसकी जमकर धुनाई भी कर दी। हमें अच्छा नहीं लगा जो हम शादी नहीं किए, इतना ही थप्पड़ मारा जो सब लेडीज लोगों को जो व्यवहार गलत करने लगा, तो इसीलिए मैंने चप्पल मारा और भगवा दिया। हमें अच्छा नहीं लगा लड़का। दरअसल शादी के दिन ही दूल्हा शराब के नशे में धुत था और कुछ लोगों से उसने बदसलूकी भी की। फिर क्या था, निभा ने हिम्मत दिखाई तो परिवार और ग्रामीणों ने भी अपनी बेटी के हौसले को समर्थन दिया। फिर क्या था, बाराती तो भाग खड़े हुए लेकिन लड़के के मुंह में कालीख लगाकर जूते की माला पहनाई गई। ग्रामीणों ने भी बेटी के साहस का स्वागत किया है। जानकारी मिली जो वो लड़का जो है सो चला गया था वहीं बगल में और पूरे शराब के नशे में धुत था, और उन्होंने मरवा पे आने के बाद में किसी तरह वहाँ से उनको लाया गया। उसके बावजूद भी उनकी हरकत को देख के सब अजीब सारा गया और इसके चलते लड़की ने कड़ा विरोध किया और शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लड़के को दो चार थप्पड़ भी मारा, बोला मुझे ऐसी पति नहीं चाहिए। लड़का जो था जो शराब पिया हुआ था और शराब पी के वो आंगन में और औरत लोग बैठी थी वहाँ पर उसने हंगामा किया, बहुत बुरा तरह से उन्होंने हंगामा किया यहाँ पे। इसलिए वो लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं देखा गया तो उसने उठ के और उसको थप्पड़ मारा। निभा के पिता मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने निभा की पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं रखी। निभा पार्ट वन में पढ़ती है, यही वजह है कि निभा ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया। आज सब निभा के फैसले की वाह वाह कर रहे हैं। बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। तो देखा आपने कि किस तरीके से निभा ने अपनी जिंदगी बचा ली। जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि जो लड़का मंडप पर शराब के नशे में धुत होकर पहुंच जाए वो आखिर निभा का साथ किस तरीके से निभाता। निभा पढ़ी लिखी है इसलिए उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि 31 मार्च के बाद बिहार में देशी शराब बंद हो जाएगी और उसके बाद जो है सो धीरे धीरे पूर्ण शराबबंदी होगी सूबे में। तो आप ये समझिए, इस खबर को देखिए और समझिए कि किस तरीके से शराब की चपेट में आने से कई जिंदगी बर्बाद होती हैं। उसमें एक नाम निभा का भी हो सकता था लेकिन निभा ने अपनी बहादुरी और अपने हौसले से अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से, अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचा लिया। ये घटना नवटोली, मधुबनी के नवटोली गाँव की है जहाँ पर निभा ने अपनी बारात को बैरंग लौटा दी। शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार करने पर दूल्हे की उसने जमकर धुनाई भी की, जूते की माला पहनाई गई। अब पूरे इलाके में निभा के इस साहस की सराहना हो रही है और जो गांव वाले हैं वो भी निभा और निभा के परिवार के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार ने विधानसभा में बताया है कि 31 मार्च को बिहार में देशी शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि अंग्रेजी शराब को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए बच्चों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। बच्चों का जब स्कूल में एडमिशन होगा तो बच्चों को अपने पिता से एक फॉर्म भरवाना होगा कि वे शराब कभी नहीं पीते। नहीं देखिए, ये कदम जो है ये काफ़ी जनहित में ये कदम उठाया जा रहा है और ऐसे पॉलिसीज चाहे महिलाओं हों, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में बच्चों को झेलना पड़ता था जिनके घर में जो लोग भी शराब पीते थे, किस शराब का व्यवहार होता था। तो कम से कम एक बच्चों के तरफ से अगर ये संदेश अगर उनके पिता को या उनके जो भी परिजन है अगर जो शराब पीते अगर दिया जाए तो हो सकता है उस चीज़ को ये लोग देखने का काम करेंगे, तो ये हो सकता है इसका प्रभाव अलग से रहेगा। आगे बढ़ेंगे। रेप के आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव ने बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया।
राजवल्लभ पर नाबालिग छात्रा से रेप करने का आरोप है। उसके बाद से ही विधायक लगातार फरार चल रहे थे। इस आरोप में पहले कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विधायक को लड़की पहुंचाने वाली सुलेखा को भी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद विधायक पर दबाव बनाने के लिए उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही विधायक के पटना और नवादा के आवास पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई। विधायक ने जमानत के लिए बिहार शरीफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में भी वो गुहार लगाने पहुंचे थे, मगर वहां से भी विधायक को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे विधायक, लेकिन वहां से भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो विधायक ने आखिरकार सरेंडर किया। विधायक पर आरोप है कि 6 फरवरी को नवादा के अपने आवास पर उसने छात्रा के साथ रेप किया। उसके बाद विधायक को आरजेडी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। और अब आपको सुनाते हैं कि राजवल्लभ यादव के वकील का क्या कुछ कहना है। माननीय विधायक राजवल्लभ यादव जी को महिला थाना कांड संख्या 15-16 में आत्मसमर्पण किया गया उनके द्वारा, और माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कितने दिन की न्यायिक हिरासत में है? वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। अभी उनको पुलिस रिमांड पर लिया है क्या? नहीं, पुलिस रिमांड पर कोई बात नहीं, जुडिशियल कस्टडी में है। जी सर, पुलिस रिमांड की कोई बात नहीं। राजवल्लभ यादव के सरेंडर के बाद सुशील मोदी ने गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी को लेकर हमला बोला, तो वहीं जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बिहार में कानून का राज होने का दावा किया। राजवल्लभ सरेंडर किए लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई, और एक महीने से ज्यादा का समय हो गया और पुलिस झूठ मूठ के दिल्ली से लेकर मुंबई तक घूम रही थी, लेकिन राजवल्लभ गिरफ्तार नहीं की जा सके। और जब लालू यादव राबड़ी देवी ने तय किया सरेंडर करवाने का, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, और नीतीश कुमार जी का अगर दूसरा नाम कहेंगे तो सुशासन कह दीजिए तो समझ जाए कि नीतीश कुमार। और जिस तरह से कानून ने अपना दबिश, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह दबिश अख्तियार किया, ये स्थिति आना पड़ा। और हम लोग पहले से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में धैर्य नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करते हैं। कानून का राज उनको सीखना चाहिए नीतीश कुमार जी से, उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं सही जैसे नियत सही से, तो नीतीश कुमार जी से प्रशिक्षण लेकर करके, और उनके जो राज्य हैं उनको मुख्यमंत्री को कानून का राज इसी को कहते हैं। तो एक तरफ सरेंडर हो गया है तो दूसरी तरफ सियासी बयान भी जारी है। आगे बढ़ेंगे सिवान जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल गफूर के मिलने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने पूरे मामले की रिपोर्ट जेल आईजी से मांगी है, लेकिन इस मामले में अब तक मंत्री से नीतीश कुमार ने बात नहीं की है। वहीं मंत्री के तेवर से भी साफ है कि उन्हें इस मामले को लेकर जरा भी परेशानी नहीं है। हंसते हुए ये भी कहते हैं कि सब ठीक ठाक है। मंत्री अब्दुल गफूर से बात की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर मौजूद हैं। सर, ये जो आपने बयान दिया उसके बाद मुख्यमंत्री ने बोला कि जेल आईजी से उन्होंने रिपोर्ट मांगी, आज आपसे बातचीत हुई मुख्यमंत्री से? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, और मैं खुद दूसरे काम में लगा हुआ था। विभाग का अभी सम्मेलन है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जरूरत महसूस करेंगे तो हमको बुलावेंगे। इस बारे में अभी मुख्यमंत्री से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? और जो रिपोर्ट मांगने की बात उन्होंने, मुख्यमंत्री जी क्या बात करेंगे, ये तो मुलाकात होती ही रहती है, नियमानुसार मुलाकात हुई है, वक्त पर मुलाकात हुई है, सुप्रिंटेंडेंट से इजाज़त ली गई है, कलेक्टर से इजाज़त ली गई है, उसमें कहीं कोई गलती के नाम से इजाज़त मांगी गई है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खबरें आ रही हैं कि आपके नाम से नहीं, किसी पप्पू खान है उनके नाम से मांगा, उसमें मेरा नाम दिया, मतलब ऑफिशियली आपका नाम ही है उसमें? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब ठीक ठाक है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कैमरामैन फिरोज के साथ आनंद मिताजी, मीडिया पटना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बयान की जिस पर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने एक बार फिर गैर मराठी लोगों की भावनाओं को आहत किया। मुंबई में एक फंक्शन के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जो नए ऑटो रिक्शा गैर मराठी चला रहे हैं उनमें आग लगा देनी चाहिए। महाराष्ट्र
हिंसा, दबंगई, तोड़फोड़, गुंडागर्दी और लोगों से मारपीट, यही है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की राजनीति। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेला रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेला रिक्षा, या जर रस्त्यावरती आल्या गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। और गुंडागर्दी की यही राजनीति अब राज ठाकरे के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुकी है। जिस मन की राजनीति करते हुए राज ठाकरे ने एमएनएस को मनमानी का रास्ता दिखाया, वो साबित कर चुकी है कि राज ठाकरे राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई पदाधिकारी टोल नहीं भरे, इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। कोई रोके तो तोड़ देना, लेकिन टोल हरगिज मत देना। फिर चाहे रास्ता बंद हो जाए या जाम लग जाए, लेकिन टोल नहीं चुकाना। राज ठाकरे की राजनीति अब तक उस सोच से बाहर नहीं निकल पाई है जिस पर खुद बाला साहेब दशकों पहले नर्म पड़ चुके थे, लेकिन एमएनएस बनाकर राज ठाकरे ने दबंगई की राजनीति तेज की। उत्तर भारतीयों पर हमले किए, छठ पूजा के नाम पर मुंबई में लोगों को धमकाया गया, टोल बूथ पर हमले करके मराठियों का दिल जीतने की कोशिश हुई, लेकिन क्षेत्रवाद के बहाने स्वार्थ की राजनीति राज ठाकरे को हाशिए पर ले आई। 2006 में बाला साहेब के खिलाफ होकर एमएनएस बनाने वाले राज ठाकरे जितनी तेजी से उभरे उतनी ही तेजी से डूबे भी। 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार शामिल होकर एमएनएस ने 13 सीटें जीती, नासिक महापालिका पर कब्जा भी जमाया था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां एमएनएस प्रत्याशियों की जमानतें तक जब्त हो गई, वहीं विधानसभा चुनाव में एमएनएस एक भी सीट नहीं जीत पाई। और 2014 के चुनाव में बुरी हार के बाद महीनों तक लुप्त राज ठाकरे सामने आए, तो फिर उसी नफरत और हिंसा की राजनीति के सहारे, जिसे महाराष्ट्र की जनता काफी पहले नकार चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राज ठाकरे के बयान पर बिहार विधानसभा में जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने निंदा का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। मन से नेता राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगर ऑटो और टैक्सी के अगर मराठी जो नहीं है उनको अगर परमिट दिया जाएगा तो ऐसे लोगों को चौक पर जलाने का काम किया जाएगा। हमने प्रस्ताव दिया है कि विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे और देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से क्षेत्रीयवाद करने वाले लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिनके साथ सरकार अपना सहयोग ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर भारत सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को देशद्रोही की संज्ञा दे। बहुत ही बुरा बयान, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो गए हैं। किसी भी देश में किसी भी नागरिक को कहीं किसी भी राज्य में काम करने का पूर्ण अधिकार है, और अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम आग्रह करेंगे कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राज ठाकरे सिर्फ गंदी राजनीति करते हैं और उनके पिता जो स्वर्गवास हो गए वो भी महाराष्ट्र के लोगों को भड़काने का काम, और महाराष्ट्र के निर्माण में उन्होंने कोई योगदान नहीं किया। कई बार महाराष्ट्र में उनको राज चलाने का भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने जो लोग फासिस्ट विचार के होते हैं तो वो समाज के लिए कभी उनसे अच्छी बात की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो कड़ी प्रतिक्रिया आई है बिहार के नेताओं की तरफ से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी एमएनएस नेता राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज ठाकरे को उस आरोप पर पलटवार किया जिसमें राज ने नए रजिस्ट्रेशन वाले ऑटो में आग लगाने और ड्राइवर की पिटाई करने की बात कही थी। महाराष्ट्र और देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, और ये देश सबों का देश है, और खास तौर पे महाराष्ट्र में लगातार शुरू से ही, चाहे शिवसेना हो या मनसा के लोग हों, राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, ये लोग हमेशा से उत्तर भारतीय बिहारी और यूपी के लोगों को हमेशा से इस तरह का वहाँ तंग करने का काम कर रहे हैं। और वहाँ फिलहाल में भाजपा की सरकार है और बीजेपी की सरकार कोई कदम और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
अभी कितने बिहार के लोग, कितने यूपी के लोग वहाँ जा कर के काम करते हैं, अपना रोज़गार बसाने का काम करते हैं, वहीं से अपना घर चलाने का काम करते हैं। तो यही अपील करते हैं कि राज ठाकरे जी अपने बाप की जागीर ना समझे महाराष्ट्र को और देश को। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने बिहार में खाद्य सुरक्षा के मसले को लेकर सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में लाखों बीपीएल परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर भी जमकर हंगामा किया। इसके अलावा विधानसभा में धान खरीद का भी मामला उठा। अभी माननीय मंत्री ने इस बार चाहता हूँ धान क्रय केंद्र खोलने का कुंटल 100 रुपए अधिक लिया जा रहा है, काफी महोदय नियमित होते पिछले साल का बकाया राशि का भुगतान महोदय हो पाया है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष संथाल परगना में अडानी ग्रुप को कम कीमत पर किसानों की जमीन देने के मुद्दे पर जमकर उन्होंने हंगामा मचाया। विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले पर बयान दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमीन मामले पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी संथाल परगना में जाकर किसानों और भूमि मालिकों से बात करेगी, इसके बाद रेट तय किया जाएगा। फिलहाल संथाल परगना में जमीन दर संबंधी नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने इस कमेटी की बात मानने से इनकार कर दिया। जेएमएम और जेवीएम के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि गुड्डा उपचुनाव में लाभ लेने के मकसद से अडानी को गलत तरीके से जमीन के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि पुरानी दर को लागू करके किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जाए, नहीं तो सदन से लेकर संथाल परगना तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। आने वाला समय में गुड्डा में चुनाव होना है, इसको ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फिर से झुंझुना दिखाने का काम किया है, एक आईवास करने का काम किया है। और मुझे लगता है और हम सभी को यह लगता है कि ये कमेटी सिर्फ दिग्भ्रमित करने का है। और हम लोगों का जो मांग है, ये जो पुराने नियमावली है, जो पुराने नियम के तहत जमीन का भुगतान होता था, उसी को रिस्टोर किया जाए। रेट तय किए गए थे और रैयत तैयार थे, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पाई कि रैयत कम में आ गए, सीधा एकदम कम में आ गए? और जो इसलिए मैंने एक तो उस परिस्थिति को समझना होगा और दूसरी बात के सोशल इम्पैक्ट के साथ है। फोर टाइम्स अगर ज्यादा पैसे देने के बाद मार्केट वैल्यू से, तो सरकार घटा कैसे रही है? तो पूरी की पूरी डीलिंग इसमें है, किसी एक व्यक्ति को या किसी जनरल उद्योगपति ने किसी व्यक्ति को, एक तरफ दिल्ली में केंद्र की सरकार भी कर रही है, यहाँ भी वही कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीतिक बातें हैं जो गोड्डा उपचुनाव को लेकर के विरोधियों के द्वारा या विपक्षियों के द्वारा से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। उस मुद्दे को जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी उदारता के साथ स्थानीय लोगों के रेतों का, स्थानीय नागरिकों का बातों को सम्माहित करने के लिए जब विषय को रखा गया था, उसी समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। संशोधन को स्थगित रखा गया है, कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, कमेटी के फॉर्मेशन के बाद वो अपने जो भी उनको विचार आता है, जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है वो रखा जाएगा, रख करके फिर उसको हम लोग जवाब देंगे। और इस वक्त बड़ी खबर लातेहार से मिल रही है। हेरहंज थाना के तेरानगंज के जंगलों में 30 किलो का 3 कंटेनर बम बरामद हुआ है और 5 किलो का सिलेंडर बम भी वहां से जंगलों से बरामद हुआ है। इसके साथ ही वर्दी सहित नक्सलियों के दूसरे सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। सीआरपीएफ और हेरहंज पुलिस ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया उसमें ये बरामदगी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त लातेहार से मिल रही है। हम आपको बता दें कि हेरहंज थाना के तेरानगंज के जंगलों में पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट टीम ने 30 किलो के 3 कंटेनर बम, 5 किलो का सिलेंडर बम, इसके साथ ही वर्दी और दूसरे सामान को भी बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। सीआरपीएफ और हेरहंज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर ये कामयाबी हासिल की।